तो गाइस चेक नंबर फर्स्ट को करने के लिए यार आपको ऑब्जर्वेटरी पे इस वाले लॉन्च पैड के पास आ जाना और फिर आपको यार लॉन्च पैड कुछ इस तरीके से सेट करना। आप ध्यान से देख लो, उसके बाद आप जैसे लॉन्च पैड को लॉन्च करोगे ना भाई, यार देख ही सकते हो आप क्या ही अमेजिंग चीज़ होता है यहाँ पे भाई। आप लॉन्च पैड से रिवर्स उड़ सकते हो जो कि यार नॉर्मली इम्पॉसिबल है भाई, लॉन्च पैड हमेशा आपको आगे ही उड़ाता है, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लिच है जहाँ कि हम लोग वापस उल्टा उड़ते हैं भाई। एक बार तो जरूर से ट्राई करना भाई लोग, आपके फ्रेंड्स यार बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। सो अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की, और ये ट्रिक है भाई हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि यार क्राफ्ट टूल को कॉम्बैट जोन में कैसे ले जाई जाए, वो भी भाई बिना टीममेट के हेल्प पे। सो चलिए मैं बताता हूँ आपको, यार सिंपली शॉप के पास आ जाना जहाँ कि हम लोग क्राफ्ट टूल खरीदते हैं, उसके बाद यार आपको बाय और सर्वबोट बटन को एक साथ प्रेस करना है। आपको यार जस्ट एक सेकंड पहले सर्वबोट को प्रेस करना है, उसके बाद बाय को प्रेस करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा जॉयस्टिक को मूव करने के बाद ऊपर से बैक करके टारगेट रेंज में आ जाना है, और यहाँ पे आपका बैग खुल जाएगा। और यार नॉर्मली आप कुछ भी परचेज नहीं कर सकते, आपको सिंपली उस गन बॉक्स के पास जाना है जहाँ कि हम लोग गन खरीदते हैं, आपको बस वहाँ पे जाना है, कुछ करना नहीं है, आप सिंपली परचेज कर पाओगे वहाँ पे जाके। और यार देखो आप बहुत ही इजीली परचेज कर चुके हो क्राफ्ट टूल को, उसके बाद आप यार कॉम्बैट जोन में जाओ और आपके साथ क्राफ्ट टूल चला जाएगा। यार बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है भाई, और सबसे बड़ी बात आप इसको बिना टीममेट के हेल्प के कर सकते हो या सोलो में कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप बहुत ही जल्दी कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड स्टेप है नहीं। सो इस तरीके से आप लोग ला सकते हो क्राफ्ट टूल को, और भाई ऐश करो, मजे करो और क्या। सो भाई लोग अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर थर्ड की, और ट्रिक नंबर थर्ड को करने के लिए यार आपको मल्टी विंडो में आ जाना है, और भाई एनिमी आ चुका है यार। सो मैं और भी अच्छा हो गया भाई, अब मैं आपको अच्छे से ट्रिक समझाता हूँ। आपको यार सिंपली यहाँ आने के बाद इस तरीके से जंप करना है, तो आप यहाँ पे अटक जाओगे, और यार देखो मैंने भाई कितना इजीली उस एनिमी को मार दिया। उस एनिमी को लग रहा था मैं यार यहाँ पे बैठा हूँगा जहाँ पे नॉर्मली एनिमी लोग बैठते हैं, लेकिन यार आप यहाँ पे अगर बैठते हो ना तो एनिमी लोग आपको यार नोटिस कर ही नहीं पाएंगे, और जो भी एनिमी नीचे से रश करेगा ना उसको आप मार ही दोगे। और यार एक और एनिमी आ चुका है, उसको भी पट्टे से हेडशॉट भाई। और यार देखो जो भी एनिमी नीचे से रश करेगा आप उसको इतना इजीली मार दोगे ना भाई, एनिमी जितना देर में आपके फायर का रिएक्ट करेगा उसको रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा भाई, उतने में तो आप उसको आराम से पेटी बना दोगे। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे कैंप करने के लिए आप हमेशा यहीं पे बैठना, यहाँ पे आपको यार ग्रेनेड का भी कुछ खास खतरा नहीं रहता है। ट्रिक नंबर फोर भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में, आपको यार यहाँ पे आ जाना है। आप देख लो यहाँ आने के बाद अगर आप बैठते हो ना तो भाई लोग आपको यार एनिमी कोई भी मार ही नहीं पाएगा। अभी आप देखो यार यहाँ पे सामने एक एनिमी, मैं उसको मार रहा हूँ, लेकिन यार वो हम पे गोली जहाँ चला रहा है लेकिन वो मुझे मार ही नहीं पा रहा। यहाँ पे भाई एक इनविजिबल वॉल है, आप देख ही सकते हो यार मेरा एम ही नहीं जा रहा ग्लू वॉल पे, और मैं एनिमी को भी नीचे बैठ के नहीं मार सकता। तो यार देखो एनिमी मुझे यार मारने का ट्राई कर रहा है, वो मुझे नहीं मार पा रहा, आप देख लो। और भाई आप लोग यहाँ से जंप करके एनिमी को मार सकते हो यार, यहाँ पे आने के बाद अपने एनिमी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो यार, एनिमी लोग आपको मार ही नहीं पाएंगे और आप लोग मार पाओगे यार, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। और यार आप लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पीछे के साइड से ग्लूवॉल भी लगा सकते हो कि कोई ना आए पीछे से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार, एक बार तो जरूर से ट्राई करना, कोई भी एनिमी आपको यहाँ पे बिल्कुल मार नहीं पाएगा भाई। ट्रिक नंबर फाइव, तो यार देखो आपको पता ही होगा अपडेट के बाद यार दो एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिए गए वेस्ट के लिए, एक वेस्ट एचपी बूस्टर और एक वेस्ट थिकनर। तो यार देखो आपको क्या इसका यूज पता है, तो यार देखो अगर आप वेस्ट एचपी बूस्टर लगाते हो ना तो यार आपकी हेल्थ बढ़ जाती है, आपकी नॉर्मली 200 से 220 हेल्थ हो जाती है। आप देख ही सकते हो मैंने जैसे ही वेस्ट एचपी बूस्टर को लगाया मेरी 20 हेल्थ इंक्रीज हो चुकी है। सो इसका यूज यार बहुत सारे बंदों को पता भी है, तो क्या आपको वेस्ट थिकनर का यूज पता है, तो मैं बताता हूँ यार। यहाँ पे मैंने वेस्ट थिकनर लगा लिया है, और यार देखो मेरा वेस्ट भाई पूरा अच्छा है। और यार देखो मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके अपने आप पे फोड़ता हूँ, आप लोग यार देखो मुझे कितना का डैमेज पड़ा है, मुझे यहाँ पे 161 का डैमेज पड़ा है, आप अच्छे से देख लो यार, मुझे यहाँ पे 161 का डैमेज पड़ा है ग्रेनेड से। सो अभी मैं यहाँ पे वेस्ट थिकनर को निकालने वाला हूँ वेस्ट से, और यार देखो मैंने यहाँ पे मेडिकिट लगा के हेल्थ को फुल कर लिया, और यार रिपेयर किट लगा के वेस्ट को भी पूरा फुल कर लिया यार, अब वेस्ट भी पूरी अच्छी हो गई, मेरी हेल्थ भी फुल हो गई है। तो अभी अपने यहाँ पे ग्रेनेड फोड़ के देखते हैं, तो यार देखो मैं यहाँ पे वेस्ट थिकनर को निकाल देता हूँ बाहर, और यार देखो अब मैं ग्रेनेड फोड़ने वाला हूँ अपने आप पे। तो यार अभी आप लोग डैमेज देखना मुझे कितना का डैमेज पड़ता है, तो यार देखो मुझे यहाँ पे भाई 321 का डैमेज पड़ा है, आप यार डिफरेंस देख ही सकते हो,
यार विदाउट वेज थिकनर और वेज थिकनर के यार कितना ज्यादा फर्क होता है। और भाई लोग यही चीज वर्क करती है जब आप पे एनिमी फायर करता है, आपकी यार वेस्ट की थिकनेस बढ़ जाती है और आपको डैमेज बहुत ज्यादा कम पड़ता है। आप यार दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, वेस्ट एचपी बूस्टर का भी यूज कर सकते हो। तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, ताकि ऐसे वीडियो आप और देख पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।